श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात गंभीर हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे अपना आवास अपने घर छोड़कर परिवार समेत भाग गए हैं। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंद्रा यापा अभयवर्धने ने शनिवार यानी 9 जुलाई को जानकारी दी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। लेकिन इन सब के बीच खबर आई कि श्रीलंका के हालात को और प्रदर्शनकारियों को सरकारी आवास से निकालने के लिए भारत अपनी सेना को श्रीलंका भेज रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीलंका में राजपक्षे परिवार का समर्थन करने के लिए भारतीय सेना भेजने का सुझाव भी दे डाला। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गोटबाया और महिंद्रा राजपक्षे दोनों को प्रचंड बहुमत के साथ एक स्वतंत्र चुनाव में चुना गया था। भारत भीड़ को ऐसे वैध चुनाव को उलटने की अनुमति कैसे दे सकता है? वो हमारे पड़ोस में कोई भी लोकतांत्रिक देश सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर राजपक्षे भारत की सैन्य मदद चाहते हैं तो हमें जरूर करना चाहिए। लेकिन इस पर श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने 10 जुलाई को नई दिल्ली की ओर से कोलंबो में अपने सैनिकों को भेजने के बारे में मीडिया रिपोर्टों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है, क्योंकि वे लोकतांत्रिक साधनों और मूल्यों, स्थापित संसाधनों को और एक संवैधानिक ढांचे के माध्यम से समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं। उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को भारत की तरफ से दी गई वित्तीय सहायता का भी उल्लेख किया है। श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ? क्या भाग गए श्रीलंका के राष्ट्रपति? और भारत ने सेना भेजने की बात क्यों कही? इस तीन सवाल को भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आधिकारिक घर को धावा बोल दिया था। बाद में प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने निजी आवास में घुसकर आग लगा दी, यानी उनके घर में भी आग लगा दी। श्रीलंका में पिछले 3 महीने से जारी आर्थिक और राजनीतिक संकट के बीच 9 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के देश छोड़ने, देश से भागने की भी खबर आई। एक तस्वीर भी वायरल हुई जिसमें उनका सामान नेवी के जहाज पर उनके कर्मचारी ले जाते हुए दिख रहे हैं। 10 जुलाई को एक वीडियो और सामने आया जिसमें राष्ट्रपति भवन में खुफिया रास्ता होने का दावा किया गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का दावा है कि राष्ट्रपति अपनी जान बचाकर इसी खुफिया रास्ते से देश छोड़कर भागे। राष्ट्रपति भवन के फर्स्ट फ्लोर पर यह बंकर बनाया गया है। बंकर से बाहर जाने के पहले यहां लकड़ी की अलमारी फिट की गई है। इसकी बनावट ऐसी है कि किसी को एक बार इस बारे में इसकी जानकारी या जान पाना मुमकिन नहीं है। हालांकि गायब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 10 जुलाई को श्रीलंका के अफसरों को एक निर्देश भी जारी किया। राजपक्षे ने अधिकारियों को गैस की अनलोडिंग और उसकी सप्लाई का काम तेजी से करने का निर्देश दिया है, क्योंकि 10 जुलाई को ही किरावल पीटिया में पहला जहाज गैस का पहुंचने वाला है। श्रीलंकाई मीडिया के अनुसार 3,740 मीट्रिक टन गैस लेकर आने वाला है। 11 जुलाई को दूसरी जहाज और 13 जुलाई को 3200 मीट्रिक टन गैस की जुलाई में आने वाली है, जो 15 जुलाई को पहुंचेगी, यानी 10 से 15 के बीच में ये जहाज आने वाले हैं। श्रीलंका में नई सरकार के गठन को लेकर विपक्षी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ सेना प्रमुख शैवेंद्र सिल्वे ने भी लोगों के सिक्योरिटी फोर्सेज में पुलिस की सहयोग करने की अपील की है, ताकि देश में शांति स्थापित की जा सके। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों ने प्रदर्शन के 116 दिन बाद यानी 3 महीने बाद 9 जुलाई को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया, और उसके बाद कोलंबो से फरार गोटबाया ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने का फैसला किया। इससे पहले उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे ने मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ इसी साल 15 मार्च को प्रदर्शन शुरू हुआ था। इस विवाद के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इस्तीफे के लिए 13 जुलाई का दिन ही क्यों चुना, इसे भी समझ लेते हैं। 13 जुलाई को पूर्णिमा होने के कारण इस दिन को गोटबाया राजपक्षे की पसंद की तारीख के रूप में देखा जा रहा है। ये दिन बौद्धों के लिए अति धार्मिक महत्व रखता है, जिसे सिंगली में पोया कहा जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका में प्रत्येक पोया दिवस पर सार्वजनिक अवकाश यानी छुट्टी होती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।